बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अपने फैशन और ग्लैमरस स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। कई एक्ट्रेसेस ने अपने एक्टिंग के बलबूते इंडस्ट्री में पहचान बनाई है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनका जन्म तो यूपी बिहार में हुआ, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में आकर खूब धमाल मचाया। यहाँ तक कि फिल्मों के अलावा ये एक्ट्रेसेस करोड़ों का बिजनेस भी संभालते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड की उन हसीनाओं के बारे में जो बिहार से पैदा हुई और आज दुनिया भर में नाम कमा रही हैं। प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का परचम लहराया है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है प्रियंका। बिहार के जमशेदपुर में जन्मी थी प्रियंका का जन्म 18 जुलाई साल 1982 को हुआ था। प्रियंका के पिता अम्बाला से और उनकी माँ झारखंड से है। प्रियंका फिल्मों के अलावा बिजनेस वर्ल्ड से कई साल से जुड़ी है। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया है, साथ ही कुछ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं। सोनाक्षी सिन्हा। बॉलीवुड की रज्जो रानी सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म दबंग से साल 2010 में बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। सलमान के साथ करियर की शुरुआत करने वाली सोनाक्षी आज अपनी अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज कर रही हैं। सोनाक्षी ने सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ कई हिट फिल्में दी हैं। नेहा शर्मा। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। नेहा भी बिहार में जन्मी थी। नेहा का जन्म बिहार के बागलपुर जिले में 21 नवंबर साल 1987 में हुआ था। नेहा राजनीतिक परिवार से हैं। नेहा के पिता कांग्रेस के नेता हैं और नेहा ने राजनीति छोड़कर फिल्मों का रुख किया और सफल भी हुई। नेहा ने मोहित सूरी की फिल्म क्रूक से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। कुकिंग, रीडिंग और डांस की शौकीन नेहा ट्रेन कथक डांसर है। नीतू चंद्रा। एक्ट्रेस नीतू चंद्रा एक्टिंग के अलावा अब फिल्म प्रोड्यूसर बनकर भी नाम कमा रही है। नीतू चंद्रा का जन्म 20 जून 1984 को पटना बिहार में हुआ है। पटना में जन्मी नीतू चंद्रा कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग में चली गई थी। उसके बाद वो कई जानी मानी कंपनियों के विज्ञापनों में भी नजर आए। नीतू चंद्रा ने हिंदी सिनेमा में कदम अक्षय कुमार स्टारर फिल्म गर्ल मसाला से कदम रखा था। एक्टिंग के साथ नीतू 1997 में भारत को वर्ल्ड टाइक्वांडो चैंपियनशिप हांगकांग में भी देश का नाम ऊंचा कर चुकी हैं। संदली सिन्हा। संदली सिन्हा भी कभी बॉलीवुड का जाना माना नाम रही हैं। कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रह चुकी संदली का जन्म 11 जनवरी 1972 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। संदली ने अनुभव सिन्हा की तुम बिन से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसके बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कई फिल्में मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।